मंच पर उपस्थित श्रीमान लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लखनऊ के प्रथम नागरिक डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हम सबके अभिभावक लालजी टंडन जी, पंडित रमापति राम त्रिपाठी जी, हृदय नारायण दीक्षित जी, श्रीमान सुरेश जी, उत्तर प्रदेश के युवा संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल जी, वरिष्ठ पदाधिकारी जन, उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों और मीडिया के मित्रों, आज मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए एक बहुत हर्ष का विषय है कि लखनऊ का कार्यालय, जो उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, वो नवनिर्मित हुआ है और उसका लोकार्पण भी आज हुआ। लोकार्पण एक और ही औपचारिकता है, कार्यालय में काम चलता ही है, मगर मैं जब यहाँ प्रभारी था तब मन में विचार आया था कि एक कार्यालय उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छे से बनना चाहिए, आधुनिक बनना चाहिए, आज के समय की सभी जरूरी सुविधाओं से लैस बनना चाहिए। और मुझे कहते हुए आनंद है कि लखनऊ का कार्यालय सभी सुविधाओं से लैस बना है और एक परिपूर्ण कार्यालय। इस कार्यालय के पुनर्निर्माण में हर स्तर के जो भी कार्यकर्ता जिन्होंने योगदान दिया है, मैं पार्टी के अध्यक्ष के नाते हृदय से उनको साधुवाद देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि कार्यालय का काम कभी थमता नहीं है। कार्यालय सालों सालों तक, युगों तक निरंतर चलते रहते हैं। अगर समयानुकूल परिवर्तन न हो तो काम में भी स्थगितता आती है, कार्यालय कार्य के विकास में भी स्थगितता आती है। इसलिए कार्यालय में परिवर्तन बहुत जरूरी है। और ये लखनऊ का जो कार्यालय बना है, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने निश्चय किया है कि 2016 के दिसंबर तक देश भर के सभी प्रशासनिक जिलों के मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के स्वामित्व के कार्यालय बनाने के लिए भूमि हम काबर उसकी खरीद हो जाएगी। और 2017 दिसंबर तक देश में कोई ऐसा जिला नहीं बचेगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के स्वामित्व का कार्यालय न। और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 40 जिलों में भूमि लेने का काम समाप्त हो गया है और अगले 2 महीने में और 20 जगह पे भूमि ले ली जाएगी, जो 80 में से 60 जिलों में अप्रैल महीना आते आते हम कार्यालय निर्माण की गतिविधि को चालू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक जरूरियात के कारण बनी हुई पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा का आंदोलन और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी को बनाया भी गया और बढ़ाया भी गया। और जब पार्टी विचारधारा के आधार पर चलती है, उस वक्त काम को स्थायित्व देने के लिए, काम का रेखांकन करने के लिए, काम का आयोजन करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि कार्यालय। और ये कार्यालय की कल्पना बेंगलुरु अधिवेशन में मैंने कार्यकर्ताओं के सामने रखी थी और मुझे बहुत हर्ष है कि देश भर से बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और लगभग देश भर में 200 के करीब कार्यालय ये अप्रैल तक बनना शुरू हो जाएंगे। मित्रों, सिर्फ कार्यालय भवन नहीं होता, कार्यालय बनाते वक्त इसके अंदर भावना भी डालनी पड़ती है। भावना डाले वगैरह अगर भवन बन गया तो वो विचारधारा का प्रचार नहीं। और इसके लिए जो कार्यालय बने उसके अंदर
देश भर की सभी राजनीतिक विचारधारा के पुस्तकों को समाहित करता हुआ पुस्तकालय हो, दुनिया भर के डेटा रिसर्च उपलब्ध हो, ऐसी ई लाइब्रेरी हो, कॉल सेंटर हो, सोशल मीडिया का एक अलग से कक्ष हो जो हमारी बात को हर एक युवा तक पहुंचा सके, हर एक नागरिक तक पहुंचा सके, इस प्रकार की अनेक सुविधाओं को नजर में रखकर कार्यालय का प्लानिंग देश भर में हो रहा है। थका हारा कोई कार्यकर्ता आता है तो उसके स्वच्छ भोजन की, स्वास्थ्यपूर्ण भोजन की व्यवस्था हो, उसके आराम की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं लखनऊ कार्यालय आज मैं पूरा देख कर आया हूँ, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, एक परिपूर्ण कार्यालय बनाने का प्रयास लखनऊ में। ये जो हमारा अभियान है पार्टी के काम को, विचारधारा को गति देने का और जो काम हमारा बना है उसको स्थायित्व देने का, मैं मानता हूँ कि अभियान आगे जाकर देश का और हमारी संस्कृति का बहुत भला करेगा। मित्रों, आज मैं यहाँ लखनऊ कार्यालय के उद्घाटन के लिए आया हूँ। बहुत समय के बाद आप सबसे इस हॉल में, हॉल की जगह शायद बदल भी दी गई होगी, बड़ी भी हो गई, बड़ी तो हुई है मगर बदल भी दी गई होगी, मगर इस हॉल में नाम तो माधव सभागार हॉल में आप सभी को मिलकर अत्यंत आनंद होता है। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ 9 महीना और 20 दिन मैंने काम किया है। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे ने कार्यकर्ताओं ने मैंने कभी डांट दिया, मेरा स्वभाव थोड़ा कठोर भी है और खराब भी है, उधर कभी डांट दिया कभी थोड़ा कठोरता करी तो भी हंसते हुए काम को आगे बढ़ाया था। और आज अमित शाह जिंदाबाद, आज बाबू जी यहाँ बैठे हैं, रमापति राम जी भी है, कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का एक स्वप्न था कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आज ये स्वप्न साकार हुआ है, उसका संपूर्ण यश उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाता है। अगर उत्तर प्रदेश 80 में से 73 सीटें न देता तो स्वप्न साकार होना असंभव, एक असंभव जैसा पराक्रम उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने किया है, जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है। हमारे सामने 2017 का पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है और ये कार्यालय वो लक्ष्य को आगे ले जाने के लिए सहायक होगा, और मुझे विश्वास है उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को कि अगली सरकार भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी। मैं आज यहाँ पर और कोई राजनीतिक बात करना नहीं चाहता मगर राष्ट्रवाद की बात जरूर करना चाहता हूँ। ये मन से कल भी मैंने पूछा था, फिर से एक बार कांग्रेस के नेताओं को और विशेषकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष श्री राहुल गांधी को पूछना चाहता हूँ कि JNU में जो नारे लगे वो नारों को आप क्या मानते हैं? एक नारा ऐसा लगे कि भारत तेरी बर्बादी तक जंग चालू रहेगी, भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, हर घर में अफजल पैदा होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ये नारों को कांग्रेस पार्टी देशद्रोही नारे मानती है या अभिव्यक्ति की आजादी मानती है, इतना वो तय करके देश की जनता को बता दे मौन न। राहुल गांधी ने एक बार कहा था JNU में जाकर, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर पाबंदी है। मैं पूछना चाहता हूँ ये जो चार नारे मैं बोला हूँ वो अभिव्यक्ति की आजादी है या देशद्रोही नारे है? अरे ये आप सब तो मानते हो मैं राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के मन में कोई कंफ्यूजन देश के कोई कंफ्यूजन नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी ने देश के सामने स्पष्ट कर देना चाहिए
ताकि देश की जनता कांग्रेस का वैचारिक धरातल क्या है, आधार क्या है, उसको समझ पाए। तो मैं 6 दिन से उनको पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे। शायद आज नया कार्यालय के निर्माण होने के बाद पूछ रहा हूँ, तो जवाब दे दे। और मीडिया को भी आग्रह करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी राहुल जी मिले उनको जरूर पूछिए कि आप क्या मानते हैं। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को आह्वान भी करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ये मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के गांव गांव में, घर घर में जाइए और जन जागृति करिए। देश की राजधानी के अंदर इस तरह के नारों को सहन किया जा सकता है, सहन नहीं किया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों कटिबद्ध है। देश में कहीं पर भी इस प्रकार के नारे लगेंगे तो उस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी, उनको दंडित किया जाएगा। लोकतंत्र में इस तरह के नारों का कभी समर्थन नहीं। आज मैं फिर से मेरे भाषण के अंत में सभी कार्यकर्ता जिन्होंने इस कार्यालय के निर्माण के अंदर अपना योगदान दिया है उसको हृदय सभी को हृदय से अभिनंदन देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं पूरे उत्तर प्रदेश तक के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। ये कार्यालय हमें हमारी मंजिल तक ले जाए और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक घर बनकर रहे, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं भारत माता की।